मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और सीएम योगी ने कहा कि ठेकेदारी पैसे के चक्कर में परियोजनाएं लंबित थीं। 18 लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया और पुलिस भर्ती पहले लंबित थी, जिसमें 1.5 लाख पुलिस भर्ती किए गए हैं और पारदर्शिता के साथ काम किया गया। पहले प्रदेश में फॉरेंसिक जांच के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, हमने प्रदेश में फॉरेंसिक जांच के लिए ऑफिस बनवाया जो प्रदेश में ही अब संभव था। अब तक उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी, लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर मैं साइबर पुलिसिंग की बात करूं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद है, लेकिन साइबर थाने मात्र 2 थे, एफएसएल की कोई लैब नहीं थी। फॉरेंसिक जांच के लिए तो हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर मोबाइल वैन को चला करके उसकी खाना पूर्ति होती थी। आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने यहां फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।